हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। देखिए कुछ बच्चों का यहाँ मैसेज आया है। एक कह रहे हैं कि सर फ्रीडम फाइटर के लिए दरोगा कटअप कितना जाएगा। एक कह रहे हैं कि सर दरोगा मेंस में ईबीसी का कटअप कितना जाएगा। तो वो कह रहा है कि सर जनरल का कटअप कितना जाएगा। तो ये तो बात वही हो गया बबुआ कि गेहूँ खेत में आप बेटा पेट में अब बिहार की तैयारी हो रहा है। अरे बाबू अभी एग्जाम होबे नहीं किया है। एग्जाम होगा, एग्जाम का लेवल कैसा था, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, उसके आधार पर ना तय हुआ कटअप कितना जाएगा। देखो अब जो आप लोग कर रहे हो ना, जो कटअप के पीछे भाग रहे हो ना, इसको पढ़ाई नहीं कहते, इसको गचकोड़ाई कहते हैं करना। ये पढ़ाई नहीं आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गचकोड़ाई कर रहे हो। जितना 10 को 15 को 20 को वीडियो तुम कटअप का देखोगे उससे अच्छा ही रहता कि 10-15 वीडियो तुम लेसन कोई देख लेता, उससे तुमको कुछ आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिल जाता। यही चैनल पर बाबू स्कोर बूस्टर सीरीज में कुछ कुछ ऐसा लेसन डाला गया है, मतलब समझिए कि 16-17 को लेसन डाला गया है बाबू। अगर तुम इसको देख लेगा तो आपको 25-30 को पक्का क्वेश्चन आ जाएगा बाबू। तो ये तो देखेगा नहीं, आप कुछ देखेगा कटअप सर कितना जाएगा, रे गधा, तो कटअप हम जाने कितना कटअप जाएगा। इसने चैनल को फॉलो करना जाएगा, फॉलो करते रहो, यहाँ कह लाते हो। यहाँ अगर आना है बहुत, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आओ, लंद फंद करना है, गज कुड़ाई करना है ना, तो बहुत सारा यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है, वहाँ जाओ मजा लो। आ यही करते जिंदगी गुजर जाएगा। बोलते हो ना कि 8 साल 10 साल नौकरी लेवे में लग जाता है, तोरे ऐसे लूर लक्षण जकर आता है बाबू नौकरे लग जाता है। पढ़े वाला लेकिन के 1 से 2 साल 3 साल में मैक्सिमम नौकरी लग जाता है, और बाकी कटअप के फेर में जो लगा रहता है ओकरा बाबू कई साल लग जाता है। अब क्या बहुत लेकिन कुछ कुछ मैसेज आया है बाबू कि सर एकदम लाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे बबुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के क्या कर लेगा। मान ले कि तुमको 1000 हम लिख के दे दिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, तो क्या जरूरी कि लड़िया जाएगा बाबू। है अच्छा ये 1000 पढ़े में जो हम देंगे बाबू, इसको पढ़े में 10 दिन टाइम लग जाएगा, लेकिन जो तुम बाबू पढ़े हुए होगे बढ़िया से, उसको रिविजन करने में कुछ समय लेगा बाबू, नहीं लेगा। तो आपको वो करना चाहिए। अब क्या बोलेगा सर 20 दिन में हम कुछ कर लेंगे, 20 दिन बहुत कुछ उखाड़ लोगे बाबू। देखिए यही 20 दिन पहले या 10 दिन पहले बाबू बता रहे हैं कि जितना छोटा मोटा नौकरी करवा लेकिन होगा ना छुट्टी लेगा बाबू, आ यही 10 दिन में बढ़िया से रिविजन करके बाबू एग्जाम देगा, उसको नौकरी हो भी जाएगा, और तू बाबू कटअप के फिर में लंथन करते रह जाएगा, तोरा कहीं ना नौकरी होगा। ये बतवा समझ लो बाबू। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आपको समय कम होते जाता है ना, वैसे वैसे पढ़ने का एफिशिएंसी भी बढ़ते जाता है। या बात को जान लीजिए, जैसे कैसे होता है बाबू, पूरा सिलेबस को पढ़ने में आपको साल भर लग जाता है बाबू। पूरा सिलेबस को पढ़ने में क्या है, आपको साल भर लग जाता है, समझिएगा। यही चीज बाबू जब एग्जामिनेशन होता है तो समवा को हम पढ़ के रिविजन पूरा कर लेते हैं। आप देखे होंगे बाबू दसवां में जब पढ़ते होंगे बाबू, तो 1 साल जो चीज़ पढ़ने में लगता है वही चीज़ को आप 12th में जाइएगा बाबू ना, तो वही चीज़ को आप 6 महीना में पढ़ लोगे। वही चीज़ को जब कंपटीशन में जाओगे बाबू तो वही चीज़ को आप 2 महीना में पढ़ लोगे बाबू। तो इफिशियंसी क्या होता है, समय के साथ आपका बढ़ते जाता है। और साथ ही क्या होता है कि देखिए समय जब कम रहेगा ना तो आदमी और जोर तोर से लगता है, अपने अंदर एग्रेशन लेकर का ये एकदम पूरा एग्रेशन, एकदम गर्दा मचा देना, एकदम गर्दा मचा देना है। अभी 20 दिन है ना, 20 दिन में एकदम गर्दा मचा देना है, एकदम कम्फर्ट जोन से बाहर निकलो बाबू। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा नहीं, किताब लिए हुए है एकदम निहाली में घुस के ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है मोबाइल लेकर ऐसे कर रहा है, आ किताब पढ़ेगा तो अखन पढ़ेगा, अखन होने देखित रहेगा, मोबाइल पर ध्यान रहेगा। मोबाइल तोबाइल जितना लंद फंद है उसको बंद कर दो 20 दिन के लिए, और आराम से एकदम एग्रेसिव मोड में आकर के तैयारी करो, पूरा एकदम आक्रामक बन जाओ, एकदम टूट पड़ो एकदम, एकदम गर्दा मचा देना है। जब ये करोगे बाबू ना तभी आपका होगा, अने तो खाली ऐसी किताबा लेकर ऐसे उकलटित रहोगे ना, कुछ फायदा नहीं होगा। 5 साल 6 साल करोगे बाहर में एकदम लेटरिन भरोगे, घर से चावल दाल लिया करके, और फिर घर जाके मुर्गी फार्म खोलोगे। तो आप डिसाइड करोगे मुर्गी फार्म खोलना है कि तैयारी करना है। देखो दोस्त जान लो, ये कह रहे होंगे तो आपको बुरा लग रहा होगा, अच्छा चीज़ बुरा लगता ही है बाबू, सच बात कड़वा होता है। देखिए दोस्त आपको समय मिला है और साथ ही आपको मौका मिला है, ये मत सोचिए कि आप प्री निकाल लिए तो बहुत बड़ा तीर मारे हुए हैं। आपसे अच्छा अच्छा लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ बाबू, बढ़िया बढ़िया तैयारी वाला रिजल्ट नहीं हुआ है प्री में। तो आपको अगर मौका मिला है दोस्त ना, तो इस मौका को लास्ट हस्ते तक पहुंचा दो। जो भी 20 दिन आपको समय मिला है ना, एकदम जी जान से लग जाओ, आपको पक्का होगा। है ना, तो कटअप के पीछे भागेगा बाबू ना, आपको कहीं रिजल्ट होने वाला नहीं है। उससे अच्छा है कि हमको कुछ बोल दो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है बाबू, कि हमको सारी समझ में नहीं आ रहा, हम उस पर वीडियो बना देंगे बाबू, उसको देख लो। तो ये तो फिर में तुम रहेगा नहीं, कटअप कितना जाएगा सर, लो देखते रहा कटअप हमारा कहा बाबू।